एक बार किसी ने एक साधु को चमड़े की धोती दान में दे दी, जिसे पहनकर वह साधु अपने को अन्य साधुओं से श्रेष्ठ समझने लगा। एक दिन वह उसी वस्त्र को पहनकर भिक्षा के लिए घूम रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ा सा जंगली भेड़ मिला। वह भेड़ पीछे को जाकर अपना सिर झटक झटक कर नीचे करने लगा। साधु ने समझा कि निश्चय ही वह भेड़ झुककर उसका अभिवादन करना चाहता है, क्योंकि वह एक श्रेष्ठ साधु है जिसके पास चमड़े के वस्त्र थे। तभी दूर से एक व्यापारी ने साधु को आग्रह करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मत कर तू विश्वास किसी जानवर का, बनते हैं वे तुम्हारे पतन का कारण, जाकर भी पीछे वे मुड़कर करते हैं आक्रमण। राहगीर के इतना कहते कहते ही उस जंगली भेड़ ने साधु पर अपने नुकीले सींग से आक्रमण कर नीचे गिरा दिया। साधु का पेट फट गया और क्षण भर में ही उसने अपना दम तोड़ दिया।